एक जगह खड़े रह चिंको। साले मुंह से उल्टी तो ऐसे कर रहा है जैसे फव्वारा छोड़ रहा हो। So what is up everyone, मैं हूँ K9 Barbarian और आप लोग देख सकते हैं मैं फिर से खेल रहा हूँ Silent Hill 2 Remake। आपको याद ही होगा दोस्तों यहाँ पर हमने अपना वॉक थ्रू एंड कर दिया था पिछले वीडियो पे। अभी हम लोग हैं बाहर पे और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देयर वॉज अ होल हियर इट्स गॉन नाउ। ओके ये जो चीज़ है दोस्तों पुराने वाले साइलेंट हिल में भी था। अगर आप वहाँ भी अगर जाओगे ऐसी वाली जगह पे तो आपको एक दीवार पे ये लिखा मिलता है। ओह शिट, मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि इनसे लड़ना मतलब टाइम वेस्ट है, और सही बता रहा हूँ टाइम वेस्ट के साथ साथ हेल्थ का भी वेस्ट है। इसलिए हम लोग चलेंगे सीधे मुंह जहाँ हमको जाना है। ओह ये देख रहे हो दोस्तों, ये देखिए भाई साहब कितना खतरनाक पिछवाड़ा है इसका। मैंने चेकआउट कर लिया था कि मैं एक ही जगह नहीं गया हूँ और वो जगह शायद सीधे ही है। और ये क्या लिखा है, यू कैन स्मैश विंडो। ओके लगता है हम लोग पहुँच चुके हैं। ओ ये रहा, यही वो जगह है। ओ शिट कहाँ है, किधर है? ओ ये रहा, साले उल्टी करता है ये ले। ओहो एक कम था दूसरा भी आ गया, हद है यार। ये लोग उल्टी करते हैं उससे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम है। बेटे तेरा मुंडा फोड़ दूंगा मैं, उल्टी करना बंद कर, सीधे मुंह लड़। अबे हमारा हेल्थ डाउन हो गया दोस्तों, हमको हेल्थ खाना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया, ये ले और ये भी। ओहो हेड बट, साले हाथ नहीं है मतलब सर से मारेगा। ओके लगता है ये मर गया। इन एनिमीज के बारे में मैंने आपको बताया था, इन्हें लाइन फिगर बोलते हैं क्योंकि ये लोग ऐसे टाइप की चीज़ हैं जिनके हाथ नहीं है, ऐसा लगता है उनके हाथ को कोई बांध दिया है या फिर हाथ एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये लोग सिर्फ उल्टी करते हैं। ये हमारे जेम्स की वाइफ की कंडीशन को दिखाते हैं, मैरी की कंडीशन को, जब वो हॉस्पिटल में थी और बीमार थी तो वो सिर्फ एक लाश की तरह पड़ी हुई थी, उसके हाथ पैर हिलते नहीं थे, बस वो उल्टी किया करती थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एनिमीज़ मतलब उसकी वाइफ को दर्शाते हैं, उसकी वाइफ की कंडीशन को जब वो बीमार थी, समझ रहे हो? ओके चलिए हम लोग आगे गेम प्ले भी कंटिन्यू करते हैं। ओ ये क्या है, फेस द म्यूज़िक फाइंड द मेलोडी ऑफ योर ड्रीम एंड किक अप योर हील, ऐसी कुछ लिखा है ना। चलिए अंदर चलते हैं। वो ये देखो ये क्या है, ये क्या है भाई, ग्लू, अच्छा चिपकाने के लिए। ओ ये देखिए ये वो रिकॉर्ड है जिसका आधा हिस्सा हमको बार में मिला था, आधा हिस्सा यहाँ मिला है। ओपन इन्वेंट्री टू कंबाइन आइटम। ओके पहले यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं कि यहाँ क्या क्या सामान है। मुझे नहीं लगता और कुछ है बस कांच के अलावा, तो यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। ओ एक और रूम, वाओ गुड। म्यूजिक कैन ब्रिंग यू बैक टू द वंडरफुल मोमेंट यू थॉट लॉस्ट। ओके वाह बढ़िया, देखा जाए तो सच ही लिखा है, अगर जब भी आप सैड फील कर रहे हो या लोनली फील कर रहे हो आप म्यूज़िक सुनिए, आपका मूड ठीक हो जाएगा। ओके चलिए इसे कंबाइन करते हैं। ओ शिट ओके हियर वी गो, कंबाइन हो गया। अब इसे वहाँ पर प्ले करना है, बट हम उसे प्ले करने नहीं जाएंगे, पहले इस टाउन पे घूमेंगे दोस्तों, क्योंकि पिछले वाले वॉक थ्रू में मैंने इस टाउन को बिल्कुल मतलब फिगर आउट नहीं किया था। यहाँ बहुत सारे सीक्रेट हो सकते हैं और बहुत सारी ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पर हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। तो चलिए चेकआउट करते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या सामान है। जैसे कि ये यहाँ क्या लिखा है, द डोर दैट वेक्स इन डार्कनेस ओपनिंग इन टू नाइटमेयर्स। ओके बहुत बढ़िया, क्या ये हमें नर्क में ले जाएगा? मैं बिलीव नहीं करता हेल और हेवन में, बट जो भी कहो यहाँ लिखा हुआ है। ओके ये देखिए एक रास्ता इधर है। ओ शिट कीड़ा आ गया, मार इसे, साले कीड़े उंगली करना बंद कर। अबे एक और, ये साले कीड़े चैन से नहीं बैठेंगे। ओ ये देखिए एक और हेल्थ ड्रिंक, गुड। मैं सोच रहा था हेल्थ बर्बाद हो गया यार, बट फाइनली हम लोग हेल्थ रिकवर कर पा रहे हैं, बट साला रास्ता बंद है। देखा जाए तो पुराने वाले साइलेंट हिल में भी हम लोग हर घर में नहीं घुस सकते थे, हर घर में घुसने के लिए मतलब या तो आपको कोई सीक्रेट रास्ता ढूंढना पड़ता था या फिर एग्जैक्टली वहाँ जाना होगा। तो
तो अभी हमने पूरा एरिया कवर नहीं किया है, चलिए चेकआउट करते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। वाव दोस्तों, ओ शिट भाई साहब, ओ ये देखो ये देखो। नहीं नहीं हमारे पास चाबी नहीं है, इससे मैं नहीं लड़ने वाला, ये साला उंगली करेगा पूरा दिमाग का दही कर देगा। एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैप इतना बड़ा है कि एक्सप्लोर करने में काफ़ी टाइम लग रहा है और स्टटरिंग भी हो रही है, तो जहाँ पर मुझे लगेगा कि कट करना है तो मैं कट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। ओ यार ये भी रास्ता बंद है, और ये देखिए कुछ मिल गया, ये काम का चीज़ लगता है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, मैं इसे बाद में पढ़ लूँगा। ओके बैरियर नोट, ओके ये नोट मिल गया, अब यहाँ से हमको निकलना चाहिए। मैं इनसे लड़ना नहीं चाहूँगा क्योंकि इनसे लड़ना समय की बर्बादी है। ओके अब किधर जाएं दोस्तों, चलिए चेकआउट करते हैं। बाप रे देखो देखो एक और जगह नहीं गया हूँ मैं सीधा वहीं पर मिलता हूँ। ओके इस हिस्से में शायद मैं नहीं आया था, यहाँ भी कुछ मिल सकता है तो देखते हैं। ओ यार ये हर जगह है यार, एक जगह भी नहीं छोड़ते। वाओ वाओ ओहो देख रहे हो, ये मैं रख लेता हूँ। ओह शिट एक और एनिमी आ गया, अरे बाप रे यहाँ पर एक और नोट है, इनको मारना ही पड़ेगा यार। मर जा साले, दो दो से लड़ना टेंशन वाला काम है, बट फिर भी ओहो हेल्थ की वाट लग गई दोस्तों, हेल्थ बढ़ा लेता हूँ। एक जगह खड़े रह चिंपो, साले मुंह से उल्टी तो ऐसे कर रहा है जैसे फवारा छोड़ रहा हो, मर जा साले। अब इसकी बारी है, बहुत उल्टी हो गया। ओह शिट मारो मारो, गुड मर गया। वाह दोस्तों साले लोग मरे पर लड़ के मरे और वाट लगा दी हमारी, मुझे हेल्थ बढ़ा लेना चाहिए। मेरे पास साला दो सिरिंज था, एक सिरिंज यूज़ कर लिया मैं। ये क्या लिखा है, दुनियादारी की चीज़ें लिखी हुई है दोस्तों, ये आप लोग पढ़ना। एक बार फ्लिप करके देखें, ओह शिट पीछे भी लिखा है, साला जो भी लिख रहा है बड़ा ही हरामी आदमी है, बहुत सारे नोट छोड़ कर गया है, एक नहीं तीन चार नोट पड़े हैं भाई एक ही जगह पे। वाह अच्छा हम लोग मर जाएंगे इस नोट को अगर पढ़ लेंगे तो, वाह वाह सही है। वाह एक और नोट, ये तो मैप है दोस्तों ये तो। ओके चलिए कोई नहीं, अब इस ट्रेलर में जाके देखते हैं जहाँ पर हमें कोई सीक्रेट मिलने की गुंजाइश है, अगर सीक्रेट मिल जाए तो बढ़िया है। ओके यहाँ का तो कुछ नहीं है, ये क्लियर है पूरा, बट ये चेकआउट करते हैं। ओह शिट मैं सही था, मुझे लगा ही था भाई कुछ ना कुछ मिलेगा, और ये देखिए एक और पेपर। भाई साहब साला जो भी है उसके पास बहुत फालतू टाइम है, बहुत सारे नोट छोड़ के गया है, वो भी हमारे लिए। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं, मैं एक जगह नहीं गया हूँ उस कैफ़े एरिया पे, चलिए दोस्तों वहीं चलते हैं, मैं साला मैप देखने में आधा टाइम लगा दिया था। ओके वाव यार यहाँ पर अभी भी बहुत सारे सीक्रेट हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई एक भी चीज़ छूट जाए। आप लोग सोच रहे हो कि इतना सीरियसली ये गेम खेल रहा है, थोड़ा बहुत कॉमेडी भी कर, बट ये गेम है ही सीरियस, मैं ट्राई नहीं करूँगा कि कॉमेडी करूँ, मैं आप लोगों को पूरा एक्सपीरियंस दूंगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट गेम में से एक है और बहुत सारी बातें बताते चलूँगा। ओके ये यहाँ पर का शायद कैफ़े है क्या, ना कुछ और ही है, शायद पेट्रोल पंप रहता है शायद, बट ये तो दिख रहा तो होटल टाइप का है छोटा सा, कैफ़े टाइप का ही है। ओके यहाँ सिर्फ हमको हेल्थ मिला अभी तक और कुछ नहीं, लेट्स चेक आउट। भाई साहब ये दरवाज़ा खुल जाए, अभी ये क्या हो गया, मूव कैमरा। ओके अच्छा हम दरवाजे झांक रहे हैं बट दरवाज़ा नहीं खुला है, ये सही है, चलिए इधर चलते हैं। ओह शिट कोई आ रहा है, अबे इधर से भी आ गया, पहले तेरे को मारूंगा, रुक बेटा तेरा मुंडा फोड़ता मैं, चून चून के मारूंगा एक एक को। ये ले साले अब आया ना होशियारी बाहर, अब इसके भाई की बारी है जो कि अंदर छुपा हुआ है,
कितना भी आवाज निकाल ले और मुंह से उल्टी कर ले, तू नहीं बचने वाला। दौड़ के चलते हैं इसके पास। ओह भाई साहब, फव्वारे का डायरेक्शन चेंज करता है साले बेशरम। ये ले, ये भी ले, मर गया। ओके चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट होता है। इधर चेकआउट करते हैं, इधर अगर कुछ होगा तो। लगता तो नहीं है यहाँ पर कुछ होगा, बट एक बार देख लेते हैं। ओ शिट, यहाँ कुछ नहीं है, बस ये झंडा है। फालतू आ गया यार, यहाँ कुछ भी नहीं है। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये दरवाज़ा भी नहीं खुलने वाला। साला ये दरवाज़ा दिया क्यों है यार? अगर हम लोग को उधर जाना नहीं है तो ये दिया क्यों है? कुछ तो होगा, ऐसे ही फोकट में थोड़ी ना दिया होगा दोस्तों। ये देखिए, ये कोंटे वाला कैफ़े ही बस बचा है, और एक कैफ़े में तो अभी हम हैं। साले यहाँ कैसे जाएगा भाई? ये जगह कैसे बंद है? यहाँ भी तो जा सकता है क्या? बट रास्ता ही नहीं पता दोस्तों। एक बार और चेक करते हैं, क्या पता साला यहीं से रास्ता हो। ना भाई ना, रास्ता ही नहीं है। मूड खराब हो गया साला, हद है। चलिए चलते हैं यार, एक बार इसको देख लेते क्या लिखा है। ये फोकटिया चीज लगता है। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं दोस्तों, हमारा काम तो कंप्लीट हो गया, अब हमको उस कैफे तक पहुँचना है। फिर आ गया तू बेसराम। ओहो साले पप्पी लेगा, पप्पी भाई की पप्पी सही नहीं जाएगी। खत्म। क्या ये रास्ता है? ना दोस्तों ये भी नहीं है। लगता है हम लोग फोकट का यहाँ पर घूम लिए, बट रास्ता है ही नहीं। चलिए यहाँ से निकलते हैं, बहुत टाइम पास हो गया। ओह वो देखो वहाँ पर एक सीढ़ी है, लगता है ऊपर कहीं से जाना होगा। चलिए चेकआउट करते हैं। यहीं से होना चाहिए सीढ़ी का रास्ता, कहीं से तो कहीं अंदर जाएगा ही भाई। ओके यहाँ तो कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा दोस्तों, और ये तो हम वापस आ गए। अरे यार ये फोकटिया जगह में कैसे आ गए? ओह शिट यार, मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे अपने एक्चुअल रास्ते पे चलना है। तो चलिए वहीं चलते हैं यार, यहाँ पर टाइम पास करेंगे तो और दिमाग का दही होगा, सीधा वहीं चलते हैं। वाह दोस्तों ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब सही बता रहा हूँ। अगर आप जितना ज़्यादा इसमें बैक ट्रैकिंग करेंगे और घूमेंगे तो आपको उतने ज़्यादा सीक्रेट मिलेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास समय है तो मेरी तरह मैप खोल के और भी सीक्रेट ढूंढिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। और जो भी पेपर मिलते हैं वो आपकी मैप को अपग्रेड करने में हेल्प करते हैं, ताकि आप कोई दूसरा रास्ता खोज सकें। चलिए दोस्तों ये रहा कहीं पर कैफ़े जहाँ पर हमें जाना था। ना यहाँ तो नहीं है, हाँ इस तरफ है शायद। वाह यार ये कुछ ज़्यादा नहीं है, पिछले वाले में इतने सारे नहीं थे, बट इसमें तो भर भर के एनिमी है। मतलब हर रास्ते पे एनिमी मिल रहे हैं। ओके लगता है हम यहाँ जा सकते हैं। एक और फोड़, बहुत बढ़िया। ये क्या है? लॉन्ड्री। ओह शिट, डंक मारता कीड़े साले, बिना बताए काटना नहीं चाहिए। और ये क्या है दोस्तों? कबाड़ लग रहा है। अबे यहाँ पर हम लोग किस लिए आए हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस इसके लिए हद है। ओके दोस्तों लगता है हम लोग यहाँ पर फोकट भटकेंगे, इससे अच्छा हम लोग सीधा बाहर चलते हैं। साला कुछ भी नहीं है, ये है क्या वैसे? चल फोकटिया, एक और रास्ता सामने है, बहुत बढ़िया। कम से कम हमको रास्ता तो मिल रहा है, नहीं तो साला भटकते रहते। ओ एक और नोट, और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग पढ़ लीजिए, मैं बांध में इसे पढ़ लूँगा, ठीक है? तो आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए इसे स्क्रोल डाउन भी कर देता हूँ। ओके सही है सही है, इसमें पूरे साइलेंट हिल के बारे में बताया है शायद, यहाँ पर होने वाली घटनाओं के बारे में। आई डोंट नो, आप लोग पढ़ लेना ठीक। ओके चलिए इस लाइब्रेरी में क्या है?
लाइब्रेरी में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ हो सकता है। अरे भट साले, कुछ भी नहीं है साला, दिमाग का दही। ये गेम ना यार गुस्सा दिला देता कई बार, क्योंकि अगर आपको रास्ता नहीं मिलेगा तो आप भटकते रहोगे। मैं चाह रहा था कि जल्दी जल्दी पूरे सीक्रेट खोज लूँ, बट नहीं, सीक्रेट तो मिलेंगे ही नहीं, थोड़े मोड़े मिले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से बाहर निकलते हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है। एक ही ऑप्शन है, सीधा कैफ़े चलते, क्योंकि कैफ़े में शायद कुछ चीज़ है जो मैं मिस कर गया हूँ या फिर लिया नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। अबे ये कैफ़े नहीं है, ये तो सैलून है। अब यहाँ क्या है भाई? वाह, एक और नोट। आई सॉ हिम अगेन और एटलीस्ट आई थिंक सो, ही से ही डिंट बट आई डोंट नो एनी मोर। आई एम टायर्ड, आई कॉन्ट फाइंड इट, डजेंट मैटर, दैट स्क्रैपिंग नॉइस अगेन। ओके, ये नोट हमें कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, बट इसे समझना हमारे ऊपर है। जैसे अभी मुझे कुछ समझ नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, एक बार और चेकआउट कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ और चीज़ होगा तो हम ले लेंगे, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई और चीज़ है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं यार, फोकट घूमने से अच्छा है यहाँ से निकल ही जाते। चल बेटे मैप खोल। ओहो पास पे तो है, कहाँ जा रहा हूँ मैं? ये रहा, यहीं कहीं पर है ना, ये है क्या? ओ शिट, ये नहीं खुल रहा। ओह तू पीछे कैसे आ गया? भाग साले भाग, हर जगह मेरे पीछे साए की तरह पीछा करता है यार। ओह नो भाई, ये ले। ओह साले रैप्टा मारता है, ये ले और ये भी। हर बार तेरी चाल काम नहीं करेगी यार। माय गॉड यार, हर जगह आ जाते यार ये लोग। ओके ये देखिए, ये क्या है? अबे पीछे क्यों हो रहा है? शायद मैं ओ दबा दिया था। ओके करना क्या है? ओके चाबी घुमाना है। वो ये खुल गया, चिल्लर मिल गया दोस्तों, बार कॉइन। ओके अच्छा, ये उस जूक बॉक्स में लगेगा, अब मुझे समझ आया। चलिए अब सीधा जूक बॉक्स के पास चलते हैं, ये कॉइन हमें वहीं लगाना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा घूम लिए हैं बट अब हमारा रास्ता सीधा क्लियर दिखाई दे रहा है, बस जूक बॉक्स के पास जाना है और काम कंप्लीट। वाओ दोस्तों, इस गेम का रास्ता सीधे सीधे ही है, बट हमें इधर उधर घूम के रास्ता ढूंढना पड़ता है, समझ रहे हो? यही है क्या? ना भाई, गलत जगह पे हम लोग। ओके यहाँ से लेफ्ट लेना है। सही है बॉस, सही जा रहा तू, दुनिया में तेरा नाम सबसे ऊंचा होगा, बस सही रास्ता ढूंढ ले, फिर तुझे मिठाई खिलाऊंगा, समझे मुन्ना? हर तरफ एनिमी है भाई, और ये लैग ऐसा हो रहा है कि मर गया है टाइप। चल अंदर घुस। ओके हम लोग पहुंच गए, ये रहा हमारा जूक बॉक्स, इस पर कॉइन लगाते हैं। चल बेटा अपना जादू कर। अबे कॉइन नहीं लगा रहा, करना क्या है? ओके क्या हम लोग कॉइन को सिलेक्ट करके डाल सकते हैं? ना ऐसा तो नहीं लगता दोस्तों। इसे भी नहीं डाल सकते, मतलब कुछ और करना होगा। दिमाग लगा, और शेट ये हिल भी नहीं रहा। ओके सही है। वाओ अब क्या हुआ? ओके थोड़ा सा हिला था, कैसे हिला? ओके हियर वी गो, बहुत ही सही। क्या हुआ? ओहो ये करना था, सही है, कोई गड़बड़ नहीं हुआ। अब इसमें गाना कौन सा बजाना है, पता कैसे चलेगा? साले पिछले वाले गेम में ये तो था नहीं, करना क्या रहता है? यहाँ पर बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, बट नंबर 2 पे ही दबाना होगा दोस्तों, आपको नहीं लगता? ओके ओह शिट, मैंने यहाँ पर कॉइन नहीं डाला है, मैं तो भूल ही गया था।
अब सही करते हैं। देखो 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 देखो, मेरे को दिखाई दे रहा है ब्लू वाला दबाना है दोस्तों, क्योंकि देखो हम लोग का रिकॉर्ड ब्लू पे है और नंबर टू को क्लिक करना है। यस, सस्ता दिमाग बे, कोई भी जान जाएगा ये तो। Day there. Just the two of us staring at the water. ये बड़ा अजीब है, साला जूक बॉक्स का रिकॉर्ड टूट गया और यहाँ पर हमें चाबी मिल गया। ये चाबी यहीं लगेगा दोस्तों, और कहीं लग नहीं सकता है, क्योंकि यही एक रास्ता मुझे दिख रहा है। तो चलिए पहले सेव कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा घूम के आए हैं तो सेव ज़रूरी है। फिर से मैं नए वाले स्लॉट पर बनाऊँगा सेव। हो गया क्या? अरे कहाँ पर है? हाँ ये रहा, ये रहा, ये पुराना वाला है। ओके सब सही है। चलिए दोस्तों ये चाबी लगाते और यहाँ से निकलते। मेरा टेंशन बढ़ रहा है, क्योंकि इस गेम को अब जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। मेरे लिए एक चैलेंज बढ़ गया दोस्तों। वाओ, व्हाट अ जंप। ओह ये देखिए, दवाई पानी मिल गया भाई, गोली पानी खा के अपने हेल्थ पे सुधार ला। ये आपके लिए है, आप लोग पढ़ लेना। क्या लिखा क्या है इसमें? किसी कार के बारे में लिखा है। हिज कार शुड बी आउट बैक, मे बी चेक इफ इट इज स्टिल देयर बाय मॉर्निंग। ओके अच्छा ठीक है, चलिए चेक आउट करते हैं। और ये देखिए क्या लिखा है, ग्रीनिश ब्लू कार। लगता है हमारा मिशन उस कार के आसपास है। ये तो लाल है और ये भी लाल है, लालम लाल। कहाँ है बे कीड़े, सामने आ जा तू, मार के तरह तुम बाड़ बना दूंगा। ओ ये देखो, ये रहा ग्रीन कार। दवाई पानी मिल गया भाई। हाँ मैं सोचा कुछ और अच्छा चीज़ होगा। और ये देखिए, ये हमारा रास्ता, हमें यही जाना है। ये क्या है, उठा ले इसे। अबे चाबी मिला है, वुडसाइड अपार्टमेंट। ओके भागो, अभी ये वही अपार्टमेंट है क्या जहाँ पर अपन लोग गए थे और वहाँ की चाबी नहीं थी हमारे पास? लगता है वही जगह है। ओके दोस्तों, गलती नहीं हो सकता, हमको सीधे वही जाना है। मुझे याद नहीं है किधर है वो रास्ता। ओहो साला दिमाग खराब हो गया है यार, सीधे मुँह चलते हैं। पहले तो ये देखो आंधी तूफान चल रहा है, साला कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये बढ़िया है भाई, कुछ दिखता नहीं है तो वाट लग जाती है। ओके मुझे पता है किधर जाना है, चलिए सीधा चलते हैं भाई, नहीं तो अपन भटक जाएंगे और मुंडा खसक जाएगा। साले लड़ो और मर जाओ। अबे कहाँ पर है, यहीं कहीं पर तो रहता है। शेट कहाँ पर है? हाँ यहीं पर तो, यहीं पर है, यहीं पर है। पुराने वाले गेम में भी ऐसे ही जगह पे जाना रहता है। ओके ये रहा, वेरी गुड,
गुड गुड यस खुद जा अंदर, बाकी लोग भाड़ में जाएं और तेल लेने जाएं, हमको उनसे मतलब नहीं है। वाओ अचीवमेंट अनलॉक्ड, गुड भाई साहब, कुछ तो अच्छा हो रहा है गेम में। चलिए इधर देखते हैं इधर क्या है। ओह सेव पॉइंट, वाओ सेव बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। लगता है यहाँ कुछ है। ये क्या है, हैंड गन एमओ, ओके वाओ, गन नहीं पहले मिला एमओ मिल गया। ये क्या है, वो दोस्तों ये कॉइन वाला पजल है, इसमें डिफरेंट टाइप के कॉइन लाने रहते हैं और इसे लगाने रहते हैं यहाँ पर, तब जाके एक पजल कंप्लीट होता है। इसे कंप्लीट करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, मुझे नहीं लगता आज के वॉक थ्रू में ये हो पाएगा क्योंकि ये कॉइन खोजने में काफ़ी टाइम लगता है। इस पूरे अपार्टमेंट में वो पूरे कॉइन फैले हुए रहते हैं। ये देखिए डिफरेंट टाइप के कॉइन और दुनियादारी के बारे में बताया हुआ है। हम लोग इसे कर लेंगे मुझे जितना याद है उस हिसाब से, बट हमारे पास अभी थोड़ा सा और टाइम है। चलिए देखते हैं और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा अपार्टमेंट है दोस्तों, आधा मिशन तो यहीं है। ओह शिट, ये देखिए मैप, आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है ये। वाव यार, ओह इधर का रास्ता खुला है। ये क्या है, एमओ, गुड सही है। इधर के लिए चाबी चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। ये साला मैप ना मतलब लगभग सेम और सिमिलर है, देख के ही लग रहा है मुझे, मतलब मैं बता सकता हूँ कि कहाँ जाना है और क्या करना है। इतने बार खेलने के बाद आइडिया तो हो ही गया है, बट मैं भी भूल चुका हूँ दोस्तों। मुझे इतना मालूम है हमें ऊपर जाना है, बट यहाँ पर देखिए बहुत सारे सामान हैं। ये आप पढ़िएगा ठीक है, 217 ओके। ये सारी चीज़ें कलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि अगर आपको एकदम बढ़िया अचीवमेंट चाहिए ना तो कलेक्ट करना ज़रूरी है। Hello? लगता है यहाँ पर कोई है दोस्तों। Is anyone there? अबे यार हर जगह के लिए चाबी। ओह वो देखो वो दरवाज़ा खुला हुआ है। वाओ थैंक गॉड भाई, बहुत टाइम बाद हमें फ्लैशलाइट मिल ही गया। मैं लाइट देख के समझ गया था कि फ्लैशलाइट मिलने वाला है और यहाँ पर एक एनिमी आएगा, तैयार हो जाइए, बहुत ही घटिया टाइप का एनिमी है। ये रहा, आ जा। अबे नहीं 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 नहीं, साले क्या है, पूरी हेल्थ की वाट लगा दिया। ओह शिट, पीले पीले ओ मेरे राजा। या ओह शिट, डॉज करता है साला हरामी, कितना डॉज करेगा बे साले बेशरम। पूरा हेल्थ का वाट लगा दिया भाई, सिरिंज यूज करना पड़ गया मेरे को। आप लोग सोच रहे होंगे ये अजीब सा दिखने वाला एनिमी कौन था, मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसे मैनी क्वीन बोलते हैं दोस्तों। अबे इसे खोल पहले, यस दवाई पानी मिल गया। तो मैनी क्वीन जो है इसके चार पैर होते हैं, दो पैर नीचे दो पैर ऊपर। और देखिए चाबी मिल गया, तो आप लोग ये समझ लीजिए दो पैर नीचे दो पैर ऊपर। और सीधी सीधी भाई अगर मैं कहूँ तो ये जेम्स के गंदे थॉट्स को मतलब सिग्निफाई करता है। और ये देखिए ये मैरी का ड्रेस है, मैरी ऐसे ही कपड़े पहनती थी, पता नहीं इस रूम में ये ड्रेस कैसे आई, आई डोंट नो बट आ गई। बट आपको मैंने मैनी क्वीन के बारे में बता दिया, अब आप लोग समझ ही सकते हैं भाई दो पैर नीचे दो पैर ऊपर का मतलब समझ ही रहे होंगे, दो जेनिटल्स भी होंगे, समझ रहे हो। अगर नहीं समझ रहे तो जाके गूगल में सर्च कर लो। ओके तो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी है और मेरे हिसाब से यहाँ पर वीडियो को एंड करना ज़रूरी हो गया है, काफ़ी लंबा वीडियो बना लिया हमने। तो चलिए दोस्तों आज के वॉक थ्रू को यहाँ पर एंड करते हैं और मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। तो अगर आपको मेरा वॉक थ्रू पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना, और अगली बार हम लोग मिलते हैं दोस्तों अगले वॉक थ्रू में। तब तक के लिए टिल देन स्टे ट्यून एंड बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय दोस्तों।